अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं सबको पहले ही खोल चुका हूँ, फिर मुझे याद आया कि वो वीडियो तो मैंने ऑन ही नहीं की। वो देख रहे होमियों को वगैरह, मुझे पहले बाहर निकालो, आज नहीं निकालना। मौसम दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े वाला मौसम हुआ है यार। सुल्तान के साथ जो ये, मैं समझ रहा था बड़ी शरीफ है, किसी को नहीं मारती। जनाब ये सिर्फ असील को नहीं मारती, ये माशाल्लाह अंडों पे बैठी, चेक करें माशाल्लाह अच्छे से अंडे इंक्यूबेट कर रही है। ये देखिए अंडे सीधे कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ, ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से ये इंक्यूबेट कर लेगी। और एक सरप्राइज़ है दोस्तों आपके लिए, वो सरप्राइज़ क्या है? वो सरप्राइज़ ये है कि आज इंक्यूबेटर ले आए हैं हम, और उसमें हम अंडे भी रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास कोई 8 से 9 अंडे पड़े हुए हैं, वो भी रखेंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। फाइनली दोस्तों इंक्यूबेटर आ चुका है, और माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर अंडे भी रख दिए हैं। ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है, देखें नीचे पानी का प्रोसेस है। इस टाइम टेम्परेचर 36.9 चल रहा है। जैसे ये टेम्परेचर जाएगा ना 36.7 पे, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर लाइट ऑन कर देगा। चेक करिएगा, अभी 8 हो गया, अभी 7 होगा, ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा ताकि ये अच्छे तरीके से इनका टेम्परेचर फिट। ये देखें माशाल्लाह टेम्परेचर देखें, चेक करें 37.7 पे जब ऑटोमेटिकली चला गया और उसने लाइट बंद कर दी, यानी ऑटोमेटिकली ये मशीन है। और इंक्यूबेटर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि अच्छे से इंक्यूबेट हो जाएंगे। देखें अभी ये दो जो अंडे, हुई बच गया, ये ठीक है। ये एक सुल्ताना का अंडा, ये देखें ऐसे लिखा हुआ, बस ये ही एक अंडा उसका है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। ओए होए ये टूटा है यार, ये अच्छा अंडा था, अल्लाह करे ये टूटा ना हो, वैसे निशान हो, ये भी जूली का ही है। तो दोस्तों ये जो दो अंडे हैं, ये दो अंडे उसके हैं स्नो के, ये जो 5 अंडे हैं इसमें 6 अंडे हैं, सॉरी 5 हैं, एक अंडा सुल्ताना का और 4 जूली के हैं, और 2 ये बटेर के अंडे हैं। और इंशाल्लाह हम इसमें अच्छे से अच्छे जो बर्ड्स हैं उनके अंडे ला के इंक्यूबेट करेंगे। पानी की कैपेसिटी अभी पानी है, ये हम इसे ऐसे बंद कर देंगे। UPS पे कनेक्शन मैंने कर दिया है ताकि हमारा इंक्यूबेट एक सेकंड के लिए भी बंद ना हो। तो दोस्तों मैं अंदर इंक्यूबेटर चेक कर रहा था, और ये देखें इन लोगों ने बाहर जोन साना लड़ना स्टार्ट किया हुआ है। ओए तो ये मस्त, ओए दोस्तों मुझे भी मारने लगा, तो ये बदमाश है, मुझे मारो हैं, मारो। इससे तो डर भी लगता है दोस्तों, इसके कील इतने बड़े कील हैं इसके। चल पीछे जाओ, चलो शाबाश, इधर नहीं आना अब यार, तेरे जितना वो जिसे लड़ते हो सुल्तान। ओए वो कहता, ओहो वो कहता आगे से दोस्तों जवाब दे रहा, हाँ लड़ो मेरे साथ। ये ठंडा हो गया वह मौलवी हमारा, अब नहीं ये किसी को कुछ कहता, फिर लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो क्या करें यार, क्या मसला है? चलो उधर, अब वापिस इधर नहीं आना, चलो तुम्हारा मसला क्या है, हैं? क्या बदमाश हो तुम भाई, लगता है। दोस्तों मौसम बहुत अच्छा हो चुका हुआ है, और मैडम को वहाँ पे छोड़ा, मैडम खुद ही अपनी जगह पे चली जाती है, अच्छी बची है यार। बच्चे भी माशाल्लाह मैडम के उसके साथ चले गए हैं। ये जो दो है ना, ये आज उड़ गए थे। दोस्तों मैं इसकी एक मेरे पास छोटी वीडियो पड़ी हुई है, जो मैं इसको ऊपर वाली छत से पकड़ के लाऊंगी, इनके पर कटे हुए थे फिर भी उड़ गए। खैर एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिए हैं, और पकड़ के इसके पर मैंने काट दिए हैं, अब ये नहीं उड़ पाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें दोस्तों ये फिर ऊपर आ गए ऊपर वाली छत पर, तो पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये अच्छे से बैठी हुई है, ये देखें माशाल्लाह से, बैठ जाओ। वैसे इसको दाना पानी खिला दिया था, और इसका दाना पानी अंदर रखा भी हुआ है ताकि ये दाना पानी जब चाहे ये खा सके उठ के। और ये इसकी छोटी सी जगह है कि जहाँ पे ये आराम से अपने आप को सीधा कर ले, अगर हम इसे थोड़ा सा लेट खोलें तो। अदरवाइज़ माशाल्लाह इसके नीचे 12 अंडे थे दोस्तों, 12 अंडों में से ना इसके नीचे अब टोटल हैं 8 अंडे, 7 इसके अपने अंडे हैं और एक अंडा इस स्नो का है, ठीक है। और जो इसके अपने, इसने माशाल्लाह 11 अंडे दिए थे, जिसमें से 4 अंडे, पहले 12 टोटल ही थे, अब 4 अंडे उठा लिए हैं, 4 अंडे उठा के हमने इंक्यूबेटर में रख दिए हैं, जो कि मैंने आगे आपको बताया था 4 जूली के अंदर।
दोस्तों कितनी देर हो गई आपको बटेरों का ना दिखाया ना बताया, माशाल्लाह रिकवर हो गए हैं। अब इनको इस केज में हम शिफ्ट कर देंगे और उनको जोंस है ना, देखते हैं उनको कहाँ पे शिफ्ट करना है, क्योंकि इनके लिए ये देखें ये ना बारिश की वजह से यहाँ से सारा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि इनका इधर रहना मुश्किल हुआ है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पर भी थोड़ी सी मिट्टी डाल दें ताकि ये अच्छे से ब्रीड भी कर सके और आज़ाद भी रहें अच्छे तरीके से, ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पिजन्स की अपडेट ये है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये भी दो जोंस ही है ना, फीमेल ही है, पता नहीं क्यों यार, और एक ही मेल है जो बैठा हुआ है ये, और एक फीमेल यार ये बैठी रहती है, अभी तक इसने अंडा नहीं दिया, पता नहीं क्या चक्कर है, देखते हैं एक आध दिन और क्यों नहीं दिया इसने। और दोस्तों हमारी स्नो ने माशाल्लाह से आज भी अंडा दिया, जो मैंने आज अंडा इसका इंक्यूबेटर में, हाँ इसका अंडा आज मैंने इंक्यूबेटर में रख दिया, दो अंडे थे मैंने आपको दिखाए थे, इसने अभी तक चार अंडे दिए हैं, एक अंडा इसका मैंने दिखाया था जो कि बहुत ज़्यादा नरम था, कच्चा अंडा था, तीन अंडे जो एक अंडा इसके नीचे पड़ा हुआ है जूली के, दो मैंने इंक्यूबेटर में रख दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है उसका, देखते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों शाम हो चुकी है और सबको दाना पानी डाल दिया, सबको बटेरों को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ से इनके केज में शिफ्ट कर दिया फ़िलहाल के लिए, और क्योंकि जब जैसे हम बटेर को मज़ीद बढ़ाएँगे तो फिर इंशाल्लाह ये सब बटेरों का ही होगा इंशाल्लाह। बाकी सबको भी मैंने दाना पानी डाल दिया सबको, और जूली को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला था, इसने दाना पानी करके फिर जाके अपने अंडों पे बैठ चुकी है, इनको भी सबको दाना पानी डाल दिया मैंने, और सब खा पी रहे हैं मज़े में हैं सारे के सारे। दोस्तों ये चेक करें, ये तो बटेर को मारने लग पड़ा यार, ये वाला पिजन मुझे लगता है मेल है, ओए हट जाओ ना मारो उसे ना मारो, मुझे लगता है ये जो दोनों पिजन है ना इनको फ़िलहाल के लिए हमें इसके नीचे ही रखना पड़ेगा जब तक इनका कोई और जुगाड़ नहीं लग जाता। हाँ तुम्हें क्यों छोड़ डाला हुआ है, क्या चाहिए हैं, हाँ बोलती हो यार, दाना पानी ये खा रहे हो, क्यों मार रहे हो उसे। दोस्तों ये नहीं बाज आ रहा, मुझे लगता है इसे भाई वो देखे कितना मार रहा है यार उसे, इधर आओ, ये वाला मेल है, फीमेल है ये नहीं मार रही, चलो 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 अब तुम मज़े में हो, अब इंजॉय करो सारे। अच्छा मुझे पता चला ये बार बार इधर क्यों आके खड़ा हो जाता है, दोस्तों इसके सारे फ्रेंड इधर हैं इसलिए ये भी चाह रहा है कि मैं भी अंदर जाऊं, लेकिन अगर ये अंदर गया तो ये बहुत ज़्यादा लड़ेंगे, लेकिन इसे अंदर नहीं भेजना, इधर इसको चोट लग गई थी, ये लड़े थे आपस में, मैंने फिर इधर इसको पायोडीन लगा दी है, तो फिलहाल इनको इसके अंदर नीचे ही बंद कर देंगे। दोस्तों शाम हो चुकी है, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, मुलाकात होती है कल, ओके अल्लाह हाफिज़।